गे इज वेलकम बैक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आया है सर प्लीज रीजन बताना देर आर टू स्ट्रिंग्स नेम एंड नेम वन दोनों में सेम वैल्यू है जस्ट वन डिफरेंस है पहला कैरेक्टर नेम का पहला कैरेक्टर स्मॉल केस में है नेम वन का पहला कैरेक्टर अपर केस में है देन कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज किया गया है नेम इज इक्वल टू नेम वन ऑब्वियसली ये फॉल्स रिजल्ट देगा बिकॉज दिस टू स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल टू इच अदर देन नेम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेम वन इट विल रिटर्न ट्रू क्यूँ ट्रू रिटर्न करेगा मैं आपको बताता हूँ इसका ट्रू आता है बट क्या रीजन है दो स्ट्रिंग के बीच ट्रू कब रिटर्न करेगा और फॉल्स कब रिटर्न करेगा वॉट इज द रीजन लेट्स सी ऑन आइडियली जब भी दो स्ट्रिंग्स का कंपैरिजन होता है तब एक्चुअली में ओ नंबर्स का कंपैरिजन होता है हर एक कैरेक्टर को ओ नंबर रहता है लेट्स कंसीडर आपको ओ नंबर फाइंड करना है फॉर द कैरेक्टर ए कैपिटल ए इसका ओ नंबर है 65 एंड ओ ऑफ कैपिटल जेड इट इज़ नाइंटी सो ए टू जेड इट मीन सिक्सटी फाइव टू नाइन्टी सपोज आपको ओ आर डी नंबर फाइंड करना है स्मॉल केस ए का ओ आर डी ऑफ ए इट इज नाइन्टी सेवन एंड ओ आर डी ऑफ स्मॉल केस जेड इट इज़ वन ट्वेंटी टू सो कैपिटल ए टू जेड रेंजेस फ्रॉम सिक्सटी फाइव टू नाइन्टी वेरा स्मॉल केस ए टू जेड रेंजेस फ्रॉम नाइनटी सेवन टू वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी टू सपोज आपको ओ आर डी ऑफ बी फाइंड करना है इट विल बी नाइन्टी एट आफ्टर नाइनटी सेवन एंड इनका कंपेरिजन होता है सपोज आप लिखते ए इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू ए इट मीन्स यू आर कंपेयरिंग देयर आस की वैल्यूज़ ओ आर डी नंबर सो ओ आर डी नंबर फॉर कैपिटल ए इट इज़ सिक्सटी फाइव इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू स्मॉल केस के लिए नाइन्टी सेवन ट्रू और फॉल्स इट इज़ फॉल्स एंड यूल गेट फॉल्स ईयर सपोज आप लिखते हैं स्मॉल केस बी स्मॉल केस बी

ग्रेटर दैन और इक्वल टू नेम वन का पहला कैरेक्टर है अपर केस यस एंड इसकी ओ आर डी वैल्यू है एटी थ्री सो वन हंड्रेड फिफ्टीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एटी थ्री एंड दिस इज़ ट्रू दैट्स वाई यू गॉट ट्रू सपोज पहला कैरेक्टर सेम होता है यहाँ पे भी स्मॉल केस यस है एल राइट नेम वन मैं रिअसाइन करता हूँ नेम वन को विल कॉपी दिस नेम एंड पुट इट हियर यस स्मॉल केस में लिखता हूँ एंड डब्ल्यू अपर केस में लिखता हूँ एंटर अब इस केस में पहला कैरेक्टर सेम है नेम का एंड नेम वन का सो नेम इज दिस नेम वन इज दिस पहला कैरेक्टर सेम है तो सेकंड कैरेक्टर कंपेयर होगा सेकंड कंपेयर होगा जिसमें ओ आर डी ऑफ डब्ल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ओ आर डी ऑफ डब्ल्यू कंपेरिजन होगा एंड विल गेट ट्रू सेम इफ यू डू नेम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेम वन विल गेट ट्रू आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो